हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका दोस्त आसिफ लखनऊ से आपके साथ है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत मेरे चैनल पर। जीडी लाइव आज कर रहा हूं, बातचीत करके दिखा रहा हूं कि कैसे बातचीत होती है, बच्चों को सिखाऊंगा और इसके द्वारा आप भी सीखते जाएंगे कि अंग्रेजी में कैसे बात की जाती है, कहां पे ग्रामेटिकल एरर्स होती हैं, सही बॉडी लैंग्वेज हर चीज सिखाई जाएगी। एक राउंड हो चुका है, राउंड टू चलने जा रहा है। टॉपिक है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ आ मोबाइल। मेरे दोस्त मिस्टर बबलू ने पिछले राउंड वन में अपने विचार रखे, अब मैं मिस्टर महेश से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने विचार रखें। और मिस्टर महेश, आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं, आराम से बोलिए। महेश जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अब आप अपने विचार व्यक्त कीजिए। एंड प्लीज डोंट गेट नर्वस, जस्ट बी कंफर्टेबल, डोंट बी कैमरा कॉन्शियस दैट समबडी इज शूटिंग यू। ठीक है, एनी टाइम इफ यू आर परफॉर्मिंग एंड समबडी इज मेकिंग अ वीडियो, डोंट गेट बिकम कॉन्शियस, यू जस्ट रिमेन कंफर्टेबल। बोलिए प्लीज सर। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मोबाइल, इफ वी सी इन चिल्ड्रन, दे यूज वेरी बैड वे। अ बिट लाउडर प्लीज, सो दैट द कैमरा कैन कैप्चर योर वॉइस। ओके सर। द चिल्ड्रन ऑल्सो यूज मोबाइल वेरी वेल, बट हिज फादर डोंट गिव। देखो, आपने बेटा चिल्ड्रन यूज किया तो उसके लिए प्रोनाउन क्या यूज किया, हिज कर दिया। देयर, टी एच ई आई आर, देयर माने उनके। बहुवचन के लिए प्रोनाउन आएगा देयर, एक वचन के लिए प्रोनाउन आएगा हिज। तो बोलिए देयर पेरेंट्स, देयर पेरेंट्स गिव अ मोबाइल, इफ दे डोंट गिव मोबाइल दैट चिल्ड्रन डोंट एक्वायर बैड नॉलेज। ओके, बहुत अच्छा शब्द ने यूज किया, एक्वायर, ए सी क्यू यू आई आर ई, एक्वायर माने प्राप्त करना और ये ज्ञान के लिए लगता है। इसको इस तरह से बोलो कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को मोबाइल नहीं देंगे, इसका अनुवाद करो, इफ द पेरेंट्स गिव डोंट गिव अ मोबाइल। बहुत अच्छी चीज, मैं आपकी तारीफ करूंगा मिस्टर महेश कि आपने डोंट का यूज किया। याद रखिएगा कि जो उपवाक्य अगर वाले होते हैं, अगर मैं वहां जाऊंगा, अगर तुम ये काम नहीं करोगे, कुछ लोग इसको फ्यूचर इंडेफिनिट से बनाते हैं, जबकि ये गलत है। अगर वाला उपवाक्य अगर गा गी गे पर खत्म हो रहा है, वो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो आई एम हैप्पी। तो बोलो इफ दे डोंट गिव मोबाइल्स, If they don't give a mobile, आ मत बोलो, क्योंकि मोबाइल को हमें बहुवचन में ले जाना है, कई मोबाइल। If they don't give mobiles, if they don't give mobile to their children, हाँ, वे बर्बाद नहीं होंगे। बर्बाद होने को क्या कहते हैं? Spoil. Spoil माने होता है बर्बाद करना। शाबाश, फिर से बोलो बेटे। Get spoiled. यहां गेट का मतलब होता है होना, और स्पॉइल्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, ये एडजेक्टिव है। तो बर्बाद होने के लिए मिस्टर महेश आप यूज कीजिए गेट स्पॉइल्ड। देयर चिल्ड्रन गेट स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड वेरी वेल। हाँ, थोड़ा सा वाक इधर उधर चला गया है, दोबारा बोलो। अगर वे अपने बच्चों को मोबाइल्स नहीं देंगे, If they don't give a mobile to their children, they will not get spoiled a mobile। ना, वे बर्बाद नहीं होंगे बेटा, इतना ही तो है। They will not get spoiled। दोबारा बोलिए। They will not get spoiled। अब ये बताओ कि will not को क्या कहते हैं मिलाकर के? Won't। शाबाश, तो बोलो they won't get spoiled। शाबाश, और एक दो वाक्य बताइए मोबाइल के फायदे, बताइए फायदे, व्हाट आर द। एक चीज मैं आप तीनों को बताना चाहता हूं, कई बार जीवन में ऐसा होगा कि आपको एक टॉपिक देना होगा, टॉपिक दिया जाएगा और कहा जाएगा इसके पॉजिटिव्स बताओ और इसके नेगेटिव्स बताओ। याद रखना बच्चों, सबसे पहले हमें पॉजिटिव्स बताने चाहिए, खूबियां बतानी चाहिए,
स्ट्रेस बनानी चाहिए। यह दर्शाता है कि आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के व्यक्ति हैं। अगर आपने निगेटिव से चालू किया, इसका मतलब यह है कि आप निगेटिव चीज पर ज्यादा फोकस करते हैं। एक इंपॉर्टेंट लर्निंग, एक इंपॉर्टेंट मैसेज आप तीनों लोगों को कि जब भी हमें किसी चीज को रिव्यू करना है, किसी चीज को एनालाइज करना है, किसी चीज को जज करना है, किसी चीज को इवेल्युएट करना है, तो पहले हमें प्रकाश देखना है, फिर अंधकार देखना है, पहले मेरिट्स बतानी है, पहले स्ट्रेंथ बतानी है और उसके बाद वीकनेस बतानी है। ओके मिस्टर अमन, कैरी ऑन, कुछ अच्छी बातें बताओ। इफ द स्टूडेंट हैव अ मोबाइल, ही हैव अ नॉलेज, ही हैज, क्या कहना चाहते हो बेटा? अगर छात्र के पास मोबाइल होगा, क्या बोलेंगे इसकी इंग्लिश? इफ द स्टूडेंट हैज अ मोबाइल, अ मोबाइल, दोबारा बोलो, इफ द स्टूडेंट हैज अ मोबाइल, हैज अ मोबाइल, जी दूसरी हिंदी क्या है आपकी? दूसरी हिंदी है, उसे फायदा मिलेगा। यस सर, बोलो, ही विल गेट एडवांटेज, नहीं ठीक से बोलो, एडवांटेज, ही विल गेट एडवांटेज, फिर से बोलो, ही विल गेट एडवांटेज। यही पे मैं राउंड टू खत्म कर रहा हूँ। दोस्तों, यदि आप इन वीडियोस को लगातार देखेंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपकी बातचीत निखर जाएगी, आपकी पर्सनालिटी निखर जाएगी। इसके तुरंत बाद मैं राउंड 3 शूट करूंगा, जिसमें मैं तीसरे सज्जन को मौका दूंगा बोलने का। आप प्लीज जरूर देखिएगा राउंड 3। और दोस्तों, मैं फिर से बता देना चाहता हूं, यदि आप में से कोई भी सज्जन मुझसे डायरेक्ट सीखना चाहे इंग्लिश बोलना, 9335077458 पर मैसेज करें। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से मेरी बहनें हैं, भाई हैं, जो इंस्टीट्यूट नहीं जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी सर्विस है। आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। निश्चित तौर पे आप मोबाइल के माध्यम से भी मुझसे अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।